हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरुजी उपस्थित हूँ। चलते हैं बिना समय गवाए हुए सक्षमता परीक्षा पार्ट टू की तैयारी करते हैं। एक नंबर से देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? ए अक्ष, बी त्र, सी स्र, डी श। तो इसका आंसर डी है श, क्योंकि अक्ष आधा क और श से बनता है अक्ष, त्र बनता है आधा त और र से, और स्र बनता है स और र के संयुक्त अक्ष से बनता है, इसलिए तालाबे श इसका आंसर है। आगे हिंदी में उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या कितने हैं? ए 52, बी 48, सी 45, डी 35। जी हाँ, उच्चारण के आधार पर, तो इसका आंसर डी है 35 है, और स्वर 11 हैं। आगे लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितने हैं? जी हाँ, लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितने हैं? ए 52, बी 48, सी 45, डी 35। तो इसका आंसर ए है 52। एनसीईआरटी के अनुसार उच्चारण के आधार पर 48 वर्णों की संख्या है, लेकिन यहाँ लेखन के आधार पर पूछा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ए 7, बी 5, सी 3, डी 2। तो इसका आंसर है सी 3। हर स्वर, दीर्घ स्वर और प्रलुप्त स्वर हैं, तीन हैं। आगे निम्नलिखित में से अयुग्मक कौन सा है? ए अनुस्वार, बी विसर्ग, या सी ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी है, ए और बी, अनुस्वार और विसर्ग अयुग्मक है। आगे जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं? ए अनुनासिक, बी निर्नुनासिक, सी वृत्तमुखी, या डी अर्ध सवृत्त। इसका आंसर ए है, अनुनासिक। आगे देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? जी हाँ, देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? ए ब्राह्मी लिपि से, बी गुरुमुखी लिपि से, सी शौरसेनी लिपि से, या डी अपभ्रंश से। तो इसका आंसर ए है, ब्राह्मी लिपि से। आगे भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? ए सप्तम में, बी अष्टम में, बी नवम में, या डी दशम में। तो इसका आंसर बी है, अष्टम सूची में। आगे अनुसूची में है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग क्या कहलाता है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? ए महाप्राण व्यंजन, बी अल्पप्राण व्यंजन, सी उत्पक्ष व्यंजन, या डी अनुनासिक व्यंजन। तो इसका आंसर ए है, महाप्राण व्यंजन, दूसरा और चौथा महाप्राण व्यंजन है। आगे हिंदी भाषा में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितने हैं? हिंदी भाषा में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितने हैं? ए 22, बी 23, सी 24, डी 25। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है, इसका आंसर ए है। आगे बिहार राज्य की पुरुष साक्षरता दर कितना है? ए 61.8%, बी 71.2%, सी 51.5%, या डी 25.4%। तो इसका आंसर बी है, 71.2%। और बिहार की साक्षरता दर 61.8% है, महिला साक्षरता दर 51.5% है। आगे 12 नंबर, पहेली की सहेली नाम से किस राज्य के माध्यमिक स्कूलों में क्लास
चलाई जाती है, चलिए यही गलती हो गया है, चलाई जाती है, बताइए, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, सी मध्य प्रदेश में, डी राजस्थान में, तो बिहार में चलाई जाती है। आगे, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, वर्ष 1916 में, बी 1917 में, सी 1918 में, डी 1919 में, तो इसका आंसर बी है 1917 में। आगे, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है, ए मधुबनी, बी अररिया, सी पूर्णिया, डी किशनगंज, ये किशनगंज में होती है, इसका आंसर डी है। आगे, भारत में विधिवत पहचान भारत में विधिवत पहचान जनगणना किस वर्ष में शुरू हुआ, भारत में विधिवत पहचान जनगणना किस वर्ष में शुरू हुआ, पहला होगा, पहचान नहीं, पहला विधिवत, भारत में विधिवत पहला जनगणना किस वर्ष में शुरू हुआ, ए 1872 में, बी 1881 में, सी 1921 में, डी 1948 में, जी हाँ बताइए, विधिवत, जी हाँ, इसका आंसर 1872 में है, विधिवत हुआ था और लगातार 10 वर्षीय हुआ था 1881 में। चलिए आगे देखते हैं, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक वृद्धि वाला कौन सा जिला है, यहाँ बताइए, ए खगड़िया, बी अररिया, सी किशनगंज, डी मधेपुरा, तो इसका आंसर डी है मधेपुरा। आगे, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है, ए अरावली के पश्चिम में, बी अरावली के पूर्व में, सी विंध्याचल के उत्तर में, या डी विंध्याचल के दक्षिण में, तो इसका आंसर ए है अरावली के पश्चिम में है थार मरुस्थल। आगे, अक्टूबर से मध्य नवंबर तक कौन सा ऋतु मिलती है, ए बसंत ऋतु, सी शरद ऋतु, डी वर्षा ऋतु, डी ग्रीष्म ऋतु, तो इसका आंसर है बी शरद ऋतु। भारत से सटे पूर्व में कौन सा देश है, भारत से सटे पूर्व में कौन सा देश है, ए नेपाल, बी भूटान, सी बांग्लादेश, डी पाकिस्तान, इसका आंसर सी है बांग्लादेश। आगे, दूषित जल और दूषित वायु से कौन सी बीमारियां होती है, दूषित जल और दूषित वायु से कौन सी बीमारियां होती हैं, ए हैजा, बी प्लेग, सी कालाजार, डी इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर बी है प्लेग होता है। आगे, सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को किसके द्वारा पढ़ा गया, ए मेगस्थनीज, बी चाणक्य, सी जेम्स प्रिंसेस, डी डायरेक्टर, तो इसका आंसर है जेम्स प्रिंसेस, इसका सी आंसर है। आगे, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, ए लोहा, बी कांसा, सी तांबा, डी चांदी, इसका आंसर सी है तांबा। आगे, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कौन सा बताइए, आलमगीरपुर से, बी धौलावीरा से, सी कालीबंगा से, डी लोथल से, इसका आंसर बी है धौलावीरा से। आगे, वेद शब्द का अर्थ है क्या, ए ज्ञान, बी बुद्धिमता, सी कुशलता, डी शक्ति, इसका आंसर ए है ज्ञान। आगे, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, ए ऋग्वेद में, बी सामवेद में, सी यजुर्वेद में, डी अथर्ववेद में, इसका आंसर डी है अथर्ववेद में। यहां तक बनने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।